आगरा के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने आगरा जनपद की जनता की मांगों और धार्मिक पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया और आवश्यक कार्यवाही के लिए आग्रह किया। योगेंद्र उपाध्याय ने आग्रह किया कि दिल्ली से आने वाली अत्याधुनिक शताब्दी वंदे भारत गतिमान ट्रेनों का लखनऊ के लिए एक वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी सुझाव दिया। इस ट्रेन के सिर्फ दो हॉल्ट शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और कानपुर हो। ये ट्रेन आगरा से प्रातः 5 बजे एक हॉल्ट पीताम्बरा देवी की सिद्धपीठ आगरा से बटेश्वर हेतु एक टूरिस्ट प्रस्थान कर लखनऊ 8:30 बजे पहुँचे के स्टेशन दतिया पर भी 2 मिनट के लग्जरी शटल ट्रेन चलाई जाए। ये और लखनऊ से सायं 6 बजे प्रस्थान लिए रखा जाए। ये स्टेशन हिंदू ट्रेन आगरा से प्रातः 10:30 बजे प्रस्थान कर आगरा 9:30 बजे पहुँचे। मंत्री ने धार्मिक आस्था का एक प्रमुख केंद्र है कर बटेश्वर 11:30 बजे पहुंचे और बटेश्वर आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन पर और इससे श्रद्धालुओं को सुविधा से सायं 5:00 बजे प्रस्थान कर आगरा एक रोड ओवर ब्रिज के निर्माण का भी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बटेश्वर आगरा 6:00 बजे पहुंचे। इससे इन धार्मिक और मुद्दा उठाया। ये पुल ईदगाह से तहसील में भगवान शिवजी के 101 शिवलिंगों दर्शनीय स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप आगरा को जुड़ेगा। इस मुलाकात के का तीर्थ स्थल और शौरीपुर में जैन में समृद्ध किया जा सकेगा। इसके अलावा दौरान मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा धर्म का एक तीर्थ स्थल जो भगवान उच्च शिक्षा मंत्री ने दिल्ली से आगरा हेतु की जनता की विभिन्न समस्याओं और श्री नेमिनाथ की जन्मस्थली है का एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव आवश्यकताओं को लेकर गंभीरता से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह रखा जो दिल्ली से सायं 5:00 बजे चलकर चर्चा की और इन मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही स्थान भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री आगरा 8:30 बजे पहुंचे और अगले दिन का अनुरोध किया। इस अवसर पर आगरा अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली प्रातः 8:00 बजे चलकर दिल्ली 10:30 कॉलेज छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष दीपक भी